नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे छोला पुलाव। छोला पुलाव बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं: चावल 1 किलो, छोले 1 पाव, हरा धनिया 1 बंच, पुदीना 1 बंच, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, प्याज 1 दरमियानी साइज की, टमाटर 1 दरमियाने साइज का, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, साबुत गरम मसाला 2 टेबल स्पून, पानी हसब जरूरत, ऑयल 1 पाव, नमक 1 टेबल स्पून, चिकन क्यूब या चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, दही 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। तरकीब: सबसे पहले आप रात भर छोलों को भिगोए रखें, फिर उन्हें सुबह बॉईल कर लें। बॉईल होने के बाद छोलों का सारा पानी निकाल दें और छोले एक साइड पर रख दें। अब आप हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का एक पेस्ट बना लें और इसे भी एक साइड पर रख दें। अब आप एक पतीली लें और उसमें ऑयल गरम कर लें, फिर उसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालें और उसे ब्राउन कर लें। फिर आप उसमें एक टमाटर डालें और उसे फ्राई करके मैश कर लें, साथ ही साबुत गरम मसाला, जीरा और लहसुन अदरक पेस्ट भी डाल दें। लहसुन अदरक पेस्ट को सौते करने के बाद आप इसमें छोले डालें और ग्रीन मसाला जो आपने पेस्ट बनाया था वो भी शामिल कर दें। अब इसमें आप नमक और कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर दें। फिर इस मसाले को आप अच्छे से भून लें। अब आप इसमें पानी समेत चावल भी डाल दें। फिर इसमें आप दही फेंट के डालें, चिकन पाउडर या चिकन क्यूब डालें और इसे अच्छे से एक बार मिक्स करें। फिर जब इसका पानी खुश्क होने लगे तो इसे 15 मिनट के लिए दम पर रख दें। मजेदार छोलों का पुलाव तैयार है। चटनी या रायते के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।